कोने की कोठरी थी वीर सावरकर की, और लगभग 10 बरस का समय उन्होंने यहीं गुजारा। वीर सावरकर 30 जून 1911 को यहां पहुंचे थे। सेलुलर जेल में वीर सावरकर पर अनगिनत जुल्म ढाए गए। जेल में जब भी कोई उपद्रव या गड़बड़ होती, तुरंत सावरकर को सजा मिलती। वो पहले क्रांतिकारी थे जिन पर हेग के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में मुकदमा चलाया गया। पहले क्रांतिकारी जिन्हें ब्रिटिश सरकार ने 2 बार आजन्म कारावास की सजा सुनाई। पहले साहित्यकार जिन्होंने लेखनी और कागज न होने पर भी जेल की दीवारों पर कीलों, कांटों, यहां तक कि नाखूनों से साहित्य का सृजन किया। This is the inside of the cell.